विद्यमान वस्तु का
क्या माया से अनेक रूप में देखना संभव है, विद्यमान वस्तु को माया से अनेक रूप में देखना संभव है, परंतु अविद्यमान वस्तु को तो कुछ संभव है जो लोग आज अभ्यास करते हैं, परंतु जो लोग पहले प्रतिज्ञा करते हैं क्या कि हम अज हमारा मुख दत्त जन्म नहीं है, फिर बाद में कहते हैं कि उसी से जन्म होता है, उसी से जन्म हुआ आपका प्रतिज्ञा भी व्याघात हो गया। और इसके बाद क्या है आपके पक्ष में अनावस्था दोष आ जाएगा, क्योंकि पैदा होने के बाद उसको वस्तु पैदा होता है तो वो पैदा दूसरे हुआ पैदा का तो कहाँ से आया, वो भी तो किसी से पैदा होगा, वो भी तो किसी से पैदा से अनावस्था दोष अनिवार्य है, चिंता से उठा जाता अनावस्था दोष। इसको पट्टिका टिप्पणी पूरा हो गया था, आज हम लोग 28 में प्रवेश करेंगे, ठीक है 28। तो 28 के लिए हमारे टीकाकार उपाख्यान भेद है, सत्पूर्वक कार्य न व्याप्ति असत कार्यवादी बौद्धवादी के सिद्धांत को लेकर के अभी शंका उठा रहे। आपने क्या कहा, जहाँ जहाँ सत वहाँ वहाँ कार्य होना संभव है, जहाँ असत वहाँ कार्य होना संभव है, ये जो आपने कहा ना इनका तो आपका सही निर्णय होता है। सत्पूर्वक कार्य मतलब या तो सत मतलब विद्यमान अथवा विद्यमान किसी से कोई कार्य हो सत्पूर्वक कार्य कार्य इसमें पारमार्थिक कार्य तो हम नहीं बोल रहे, जो आपने कहा सत्पूर्वक न व्याप्ति ये व्यक्ति ग्रहण नहीं होता, ये व्यक्ति व्यभिचार करते हैं अग्रवादी के सिद्धांत में आपका व्यक्ति व्यभिचारी असतवादी भी असत जन्म अभ्युपगमा असतवादी सिद्धांत की तरफ असत से सद वस्तु का उत्पन्न हुआ ऐसा माना गया। असतवादी भी असत से जगत की उत्पत्ति होती है, अग्रवादी कहते हैं शून्य से उत्पत्ति होती है, वो असत असत से सत जन्म सत जन्म अभ्युपगमा मानते हैं, वो लोग आशंका ऐसा कोई शंका करते हैं उसको तुरंत आह हो नहीं है, उसका उत्तर में कार्य करता है। अब देखिए भाष्य की शैली प्रत्येक कार्य के पीछे किसी किसी बात का जो शंका है उस शंका को सामने ला करके उस शंका के उत्तर में कार्य करता है, शंका के उत्तर में कार्य करता है। ये जो है भाष्यकार अपने आप ही बोलते हैं कि आनंद की टीका पढ़ने से ये लाभ होता है, क्या है कि कनेक्शन समझ में आ जाता है आनंद की प्रत्येक श्लोक के साथ, लेकिन भाष्य का शंका बोलते हैं तो क्या इस बात की ये शंका की निराकरण करने के लिए कार्य करने क्या चाहिए, इस बात की शंका को निराकरण करने के लिए कार्य करने इस कार्य करेगा, सृष्टि श्रुति में क्या विवाद है, वर्षण आदि में क्या भिन्नता है, इस सबको एक एक करते अपने श्लोक को पढ़ेंगे। असतो मायया जन्म असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते तत्त्वतो नैव युज्यते बन्धा पुत्र न तत्त्वेन बन्ध्या पुत्र न तत्त्वेन मायया वापि जायते मायया वापि जायते असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते बन्ध्या पुत्र न तत्त्वेन मायया वापि जायते। यहाँ भी असत से पहले सत का दो अर्थ किया था विद्यमान अथवा विद्यमान, यहाँ भी सत का भी दो अर्थ करेंगे अविद्यमान अथवा अविद्यमान असत मतलब कहेगा अविद्यमान अथवा अविद्यमान दो वस्तु नहीं है उससे ना माया से ना तत्व किसी भी रूप से उस वस्तु उत्पन्न होना संभव ही नहीं, असत माया जन्म तत्त्व नहीं बदलते असद वस्तु से अथवा असद वस्तु का ना मायिक ना तात्विक किसी भी प्रकार से कोई सृष्टि होना संभव ही नहीं, ठीक है ना, ना मायिक सृष्टि ना जो है तात्विक सृष्टि दोनों ही होना संभव नहीं है, असतो माया जन्म तत्त्व नहीं बदलते। एक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि बंधिया पुत्र न तत्वे न माया वादी जाते, कोई आगे आपके सामने खड़ा कर दे कोई बना हुआ कोई भी मॉडल बना के दिखे ये बंधा पुत्र है, आप मानेंगे नहीं नहीं कि वो माया से भी हो अथवा तत्व किसी भी प्रकार से इस प्रकार की वस्तु उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है, आकाश को सुख उत्पत्ति होना संभव नहीं है, बंध्या पुत्र न तत्व न माया वादी जाते बंधा पुत्र न तत्व से
ना माया किसी से किसी भी प्रकार से इसको उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है। एक नंबर टिप्पणी बोलने है कहाँ एक नंबर टिप्पणी अमेरिका आपसे पूछता हूँ एक नंबर टिप्पणी कहाँ है मैं आप ही से पूछ रहा हूँ ना किसी मैं पूछ रहा हूँ कि एक नंबर हाँ श्लोक के ऊपर पहले अक्षर के ऊपर असतो माया जन्म असत इति अत्रापि विभक्ति द्वयम् व्याख्येयम् यहाँ भी दो विभक्ति समझ करना चाहिए अत्रापि अर्थात इस श्लोक में भी असत शब्द का भी दो विभक्ति और विभक्ति पंचमी असत दोनों विभक्ति को व्याख्या समझना चाहिए पंचमी पक्षे जब दृष्टान्त निरर्थ कर दो पंचमी पक्ष में जो दृष्टान्त होगा तो निजत्व तो कोई कर भी नहीं सकता करवा भी नहीं सकता असद वस्तु से कोई कर भी नहीं सकता करवा भी नहीं सकता कुछ है नहीं उनके पक्ष में निजंत मतलब यहाँ पे बोलते हैं पंचमी पक्ष पंचम मतलब असत पंचम असत वस्तु से तो क्या होगा जब 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 दृष्टांत देंगे तब क्या बोलना पड़ेगा कोई निजंत मतलब कोई भी कुछ भी नहीं करवा सकता जा सकता करवा नहीं सकते हैं निजंत करो क्रियापद में वहाँ पर क्रियापद ऐसा होगा ऐसा समझना चाहिए मतलब असत से किसी वस्तु का अपने आप ही उत्पन्न नहीं हो सकता और असत से किसी वस्तु को कोई उत्पन्न भी नहीं कर सकता असत से कोई उत्पादन ही नहीं है तो कैसे करेंगे इसलिए और असत का उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है असत है ही नहीं जो वस्तु उसकी उत्पत्ति कहाँ से होगा असत मतलब द थिंग विच डोंट हैव एनी एग्जिस्टेंस तो आप उससे क्या हो सकता है और उसका क्या धर्म देखेंगे आप एक्सिस्टेंस ही नहीं है इस तरह के होते हैं असत और माया का जन्म तत्व तो नहीं करेगा दुष्टम दिया बंधा बुद्धि न करते न माया न बाकी दुष्टम इसलिए आप टीकाकरण बोल रहे हैं तत्व तो अतत्व बा न असत सत आकार न जन्म दिव्य अर्थ ठीक है ना चाहे तात्विक दृष्टि हो चाहे अतात्विक दृष्टि हो चाहे परिणाम बाद हो चाहे विवर्त बाद हो इसको लेकर समझ विवर्तवाद में भी बंधा पुत्र को उत्पत्ति नहीं माना जाता इसीलिए क्या सिद्ध होता है हम जगत को मिथ्या बोलते हैं यानी कि इसकी प्रतीति होती है इसकी प्रतीति होती है बंधा पुत्र की प्रतीति नहीं होती विवर्तवाद में भी जो है बंधा पुत्र को उत्पत्ति नहीं माना जाता कि तत्व अतत्व होगा तत्व मतलब परिणाम बाद अतत्व मतलब विवर्तवाद न असत असत से सदाकार जन्म न भवति असत वस्तु से सब रूप में किसी वस्तु को उत्पत्ति होना संभव ही नहीं होता है ये इस श्लोक का अर्थ होता है तत्र दृष्टान्त जब आपके प्रत्येक को पुष्टि करने के लिए आपको दृष्टान्त तो हेतु देना पड़ता है यहाँ पे तो हेतु तो पहले ही बोलते हैं विद्यमान है नहीं अविद्यमान वस्तु से कोई वस्तु उत्पत्ति नहीं हो सकता है ना इसलिए आप उसको दृष्टान्त कह दिया कि बंधा पुत्र न करते न माया कभी जब आकाश को सुन है ना कोई आपको जो है मतलब माया से भी हो चाहे आपका तात्विक हो किसी प्रकार से उत्पत्ति होना संभव हो तब तो दृष्टान्त मान लीजिए आपको कोई अच्छी सुंदर सुंदर प्लास्टिक के फूल दिखा दे तो उसका आकाश कुसुम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे नहीं वो प्लास्टिक कुसुम कोई विद्यमान वस्तु प्लास्टिक से उत्पन्न हुआ है ना तो औसत वस्तु जो है उससे कैसे कुछ उत्पन्न इसीलिए आप बोलते हैं कि तत्र दृष्टान्त दृष्टान्त है जो है ही नहीं जो वस्तु उससे तो कुछ भी उत्पन्न काम होना संभव ही नहीं है क्योंकि उसकी विद्यमानता ही नहीं है इसलिए बंधा न तत्ते न माया बाकी पूर्वार्थम व्यय करोति श्लोक में आएगी पहला आधा भाग ठीक है कर बोलते हैं पूर्वार्थम व्यय करोति पहला आधा भाग क्या है असतो माया जन्म तत्त्वतो नहीं बजुचे असत वस्तु का माया से जन्म तत्त्वत नहीं बचूच माया से अथवा तात्विक दृष्टि से तो यहाँ पे क्या बोलते हैं भाष्य में असतवादी ना असतवादी क्या मानते हैं बौद्धवादी का ये मानता है कि बीज को नाश करके अंकुर उत्पन्न होता है कि बौद्ध दशा मनुष्य सिद्धांत वही नशु पक्ष में बीज को नाश करके अंकुर उत्पन्न होता है इसीलिए वो स्वर्ण से उत्पन्न मानते हैं परंतु उनको ये नहीं देखता बीज के अंतर जो तत्व था वो नाश होने पर भी वो तत्व जो है क्या मैंने यहाँ पे दिखाया ना चांद को मशक है
शेर के तो जब बोला कि जिसमें कुछ भी नहीं है उससे ये सारा सृष्टि भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि कैसे हो सकता है, तब वो तो वनवृक्ष है ना, वहाँ से दाना उठा लिया, उठा लिया बोलता है क्या दिखाई दे रहा है दाना है, तो क्या दिखाई दे रहा है इसका छोटा छोटा दाना, उसमें से एक दाना दे इसको तो क्या दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ये जो तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसी के अंदर पूरा वृक्ष है, शब्द को कुछ नहीं, ये जो तुमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा इसको इसी से इसी में पूरा वृक्ष मूल से लेकर के गए पत्ता फूल पर सब कुछ इसमें डाल सा सब इसमें, ये जो है हमारे शैतान मुख्य शैतान हम सत्कार्यवादी है, असत्कार्यवादी नहीं है, विद्यमान वस्तु की अभिव्यक्ति होती है, इसीलिए आप बोलते हैं कि असतवादी पक्ष बोलते हैं कि बीज को नाश करता हूँ, बोलते हैं नहीं नहीं उस उसका अंदर जो सूक्ष्म तत्व है वो सूक्ष्म तत्व इसी के माध्यम से रूपांतर होकर तो पूरा विश्व में होता है, असतवादी ना असत अभाव से असतवादी ना असत का यदि असत का तो कर दिया अभाव से है ना, अभाव से अभाव से दोनों भाग भगवान भाषु का तो षष्ठी अर्थ भी पहले बोल दिया, असतवादी नाम असतवादी के मत में असतो मतलब अभाव से माया तत्व माया से अथवा तात्विक दृष्टि से इसी प्रकार से न कथन चना जन्म युद्ध से इसी प्रकार से सृष्टि होना संभव नहीं है, क्यों अदृष्टत्व नहीं दिखाई दिया कहीं भी नहीं दिखाई दिया, जो देखिए जो प्रतिज्ञा वाक्यों के पीछे दृष्टांत हेतु देना करते हैं ना, हेतु भाष्य का पूरा करते हमने कई शास्त्रीय वाक्य भी पढ़ते ही है, हम कोई प्रतिज्ञा करेंगे प्रतिज्ञा के पीछे तो यदि दृष्टांत तो हेतु वहाँ पर नहीं दिखाई देगा, तो भाष्य का नाम हेतु दे दिया दृष्टत्व कहीं भी नहीं दिखाई दिया, जो असत से उत्पत्ति होते कहीं नहीं दिखाई दिया, असतवादी नाम असत अभाव माया तत्व न कथन चल जन्म युद्ध असतवादी भी कहते हैं असत वस्तु का अथवा असत वस्तु से चाहे मालिक हो चाहे जाति हो किसी भी प्रकार से जन्म होना संभव नहीं है, क्यों नहीं है कहीं नहीं दिखाई दिया, कहीं दिखाओ कहीं नहीं दिखाई देते, अदृष्टत्व नहीं दिखाई देने के कारण कहीं भी नहीं किसी भी जगह में नहीं दिखाई देता, दृष्टांत होने के लिए हो गया हेतु अब क्या देना पड़ेगा दृष्टांत, नहीं बंधा पुत्र माया तत्व जायते बंधा पुत्र माया तत्व न जायते है ना, बंधा पुत्र ही मतलब क्योंकि बंधा पुत्र माया तत्व न जायते, बंधा पुत्र जो जो है नहीं वस्तु वो चाहे मारे इसके किसी प्रकार से उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है, तस्मात यहाँ पे कौन है तस्मात पत्र असतवाद युक्तिवादी बोलते तो मंडन करने के बाद तो शून्यवादी पक्ष में बोलते कि ये तो सामान्य व्यक्ति भी नहीं मानेगा, इसको खंडन करने के लिए हमारे पास आवश्यकता ही नहीं है, छोड़ दिया उसको ब्रह्मसूत्र द्वितीय अध्याय के तत्वपाल है, जब बौद्धवादि का खंडन कर रहे थे पहले शांत दर्शन अगर फिर उसके बाद नए दृश्य से उसके बाद बहुत बड़ा क्षणिक विज्ञानवाद जो सुविधा के सुंदरवाद के पक्ष में इसको खंडन करने का आवश्यकता है, नहीं तो संपूर्ण सामान्य व्यक्ति के व्यक्ति के विरोध में बात है तो इसमें खंडन करना है, असंप्रत प्रलाभित करके एक ऐसा शब्द हो पाया और बहुत जरूरी बना भगवान बुद्धि असंप्रत प्रलाभित कुछ को कुछ किसको कुछ ऐसा शब्द है तस्मा पत्र असतवाद पक्ष, इसलिए यहाँ पर जो आदमी असत से उत्पत्ति दे इस प्रकार के जो मानने वाले सिद्धांत है ना दूरदेवानों को पत्र दूर से वो युक्तिहीन असत्य समझ में आ जाता है, इसलिए इसको लेकर के अधिक कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, या फिर देखिए एक दो नंबर टिप्पणी दिखाई दे रहे हैं मन से वेदी थी इस पर मिला कहाँ पे है किसके ऊपर है दो नंबर टिप्पणी तस्मात के ऊपर हाँ तस्मात तस्मात असत कथम अपनी जन्म असंभव दिया तस्मात असत से अथवा असत का किसी भी प्रकार से जन्म होना संभव नहीं होने के कारण किसी किस बात के सिद्धांत को तो कुछ अधिक नहीं बोलते हैं, एक सामान्य व्यक्ति में समझता है इसके लिए कहते शास्त्र करें क्या आवश्यकता है, इसी को क्या असत कथम अपनी जन्म असंभव दिया हो गया, अब इसको प्रतिक्रिया देखिए भाष्यकार अधिक लंबा चौड़ा नहीं देखते हैं ना, जितना बोलने का आवश्यकता उतना बोलते
स्वरूप ही नहीं है, मतलब स्वरूप अभाव है। स्वरूप तो जो वस्तु विद्यमान है ही नहीं उस वस्तु का, तत्व तो अतत्व है ना, मतलब सही रूप में अथवा मिथ्या रूप में, मिथ्या रूप में अथवा सही रूप में, मिथ्या रूप में विवर्तवाद सही रूप में परिणाम कुछ देव के बाद कार्य आकार न युक्त जन्म कार्य रूप में उत्पन्न होना युक्ति संगत नहीं है। कार्य आकार जन्म न युक्त हो क्योंकि वहां पर तो वस्तु अस्तित्व ही नहीं है, तो कार्य कैसे होगा, इसलिए बोलते हैं तत्व अतत्व कार्य आकार जन्म न युक्त है। ये हमारी प्रतिज्ञा है ना, जो वस्तु का कोई स्वरूप अथवा जिस वस्तु है ही नहीं उस वस्तु की कार्य रूप में परिणत होना अथवा तात्विक रूप में परिणत होना किसी प्रकार से संभव नहीं। अब इस विषय में तो आपने बोल दिया प्रतिज्ञा को कैसे बोलते हैं जन्म अत्र हेतु अहम है ना, जन्म बोल के वहाँ भी हमारे कल्याण को पूरा हो जाता है कि इस विषय में प्रतिज्ञा बाबू को पुष्टि करने के लिए हेतु कहते हैं भगवान भाष्य। हेतु क्या बोला, अदृष्टत्व कहीं भी नहीं दिखाई दिया, लोक व्यवहार में कहीं नहीं दिखाई देते, इसलिए हो गया आपका पहला लाइन का व्याख्या हो गया। अब जब सेकंड लाइन दृष्टांत बोलेगा वन ठाकुर को ना करते हो महानायण बाकी है उत्तरार्थ व्यापूर्वन अदृष्ट अदृष्टत्म एव अदृष्टत्म एव दृष्टांत न स्पष्ट होगी, ठीक है ना। उत्तरार्थम व्यापूर्वन श्लोक के अगला आधा भाग को व्याख्या करते हुए व्यापूर्वन उसका व्यापूर्वन भगवान भाष्यकार व्यापूर्वन का कौन बने भगवान भाष्यकार। उत्तरार्थम व्यापूर्वन अदृष्टत्व एक मतलब हेतु दिया था अदृष्टत्व है ना, जो हेतु दिया था उस हेतु को दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करते हैं अदृष्टत्व एव दृष्टान्त एव स्पष्ट करेगी, संभव सद वस्तु का जो सद वस्तु है वहां पे तो माया से जन्म संभव है, असद वस्तु तो माया से भी संभव नहीं, इसलिए सत्वाद आपके पक्ष में क्या हो जाता है, तो हमारे पक्ष में विद्यमान वस्तु एक पूर्ण व्यापक वस्तु माया से अनेक रूप में दिखाई पड़ती है, तो जो है ही नहीं वो क्या लिखे, वो क्या लिखे। इसलिए आप जो है अपने होलोग्राफी पर होलोग्राफी होलोग्राफी आए हैं कि आपको कुछ स्पेस में प्लेट के ऊपर जो भी आपको कुछ रे के द्वारा एक फोटो होता है उसको कितना भी आप टुकड़ा करिए जितना छोटा टुकड़ा भी पूरा ही फोटो दिखाई देगा, स्पेस में थ्री डायमेंशन है प्रोजेक्शन आपके लिए कुछ नहीं है वो फोटो स्पेस में दिखाई देगा होलोग्राफी। तो ये हमारी व्यवहार उसी को जिसने इसको मेरा तो मानव को काल का निशान रहेगा उसी से मेरे माइंड में पता है कि कुछ भी नहीं होने पर दिखाई देगा, हाँ कुछ भी नहीं होने तो एक साथ कुछ नहीं है नहीं ये बात नहीं, हम सुनने से नहीं मानते हैं कोई विद्यमान वस्तु है जो नहीं दिखाई पाता है उसको वह सारा चीज दिखाई उत्तरार्थम व्यापूर्वान दृष्टत्व एवं दृष्टांत न स्पष्ट है और दृष्टत्व है जो नहीं दिखाई देता है इस हेतु को बोला था उसके दृष्टांत वगैरह स्पष्ट करते हैं। सद्वाद माया संभव है, सद्वाद मतलब सद्वाद पक्ष में तो माया से सब कुछ संभव हो जाता है, असद्वाद अस्तु दयावपी न इति विशेषम दर्शन प्रश्न, असतवादी के पक्ष में तो दया माया भी न ऐसे कह लेंगे माया, ठीक है ना, कि जब स्त्रीलिंग में तत्शब्द में स्त्रीलिंग में द्वितीय एक वचन है तो आपको स्त्रीलिंग कर देना पड़ेगा, पुल्लिंग होता तो क्या होता है तेना होता है, पुल्लिंग होता है तो तेना होता है, इसीलिए आगे जो माया आ रहा है माया दया है ना असत असदवाद असदवादस्तु दया अभी असदवादी पक्ष में तो उसके द्वारा भी मतलब माया के द्वारा भी होना संबंध में न इति विशेष हम दर्शया इस प्रकार से विशेष को देख रहा देवे भाष्य का घोषणा करते तो उस अकस्मात
अत्र सद्वाद असद्वाद दूरत्व एव अनित्यमिति असद्वादी पक्ष तो दूर से ही निराकरण कर उसको लेकर तो अधिक विचार करने का आवश्यकता नहीं है, अनुभव करने की जरूरत इसका ही है। कार्य कारण निरूपणम अत्र इति परामर्श वहाँ पे भाष्य है ना, तस्मात् अत्र अत्र से कह लेना ये कार्य कारण भाव निरूपण करने संभव नहीं है, कार्य कारण भाव निरूपण करने संभव नहीं है, तो कारण कुछ होता था उससे कुछ कार्य होता, कुछ कारण है नहीं उसे क्या निरूपण करो, इसलिए अत्र तस्मात् अत्र मतलब इस कार्य कारण भाव को जब निरूपण करने जाएंगे इस विषय में जब असद्वादी पक्ष दूर से निराकरण है उसका विचार ही नहीं करना, इसलिए बोलते हैं कार्य कारण निरूपण अत्र इति परामर्श अत्र द्वारा ये कार्य कारण भाव को निरूपण करने संभव नहीं है इस पक्ष में, ये अभिप्राय है भगवान भाष्य का। अब बोल रहे हैं कि सत्तत्वस्य एव मायाया जन्म इति उक्तम उपपादयति, है ना, कोई विद्यमान वस्तु का ही अथवा विद्यमान वस्तु से सत्तत्वस्य एव सत्तत्व का ही सत् कैसे वहाँ पे देखो क्या देगा सत् फिर तत्व भी कैसे उसको सत्तत्वस्य, है ना, जो विद्यमान जो तात्विक वस्तु है सत्तत्वस्य एव माया जन्म माया से जन्म होने के उत्तम ऐसे आपने कहा, उसको आप प्रतिपादन करते हैं, कैसे प्रतिपादन करते हैं, कोई एक विद्यमान हम स्वप्न में जब वस्तु देखते हैं सारा वस्तु जितना सामने एक वस्तु देखा सब सब मिथ्या मानते हैं, स्वप्न दृष्टा मिथ्या नहीं है, स्वप्न दृष्टा मिथ्या नहीं है, तो स्वप्न दृष्टा को अपने मन से हम सारा वस्तु को मन के सारे सारा वस्तु को कर्ण तत्व रथ आन रथ योग आना पंथान यदि रथ आन रथ योग पंथान से अगर सही करता वहाँ कुछ भी नहीं है बंधु तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे इसका द्वितीय खंड है मतलब वैतथ्य प्रकरण में आया था कि वहाँ यहाँ पे बोलते हैं स्वाप्निक वस्तु का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान जैसे वस्तु भी मिथ्या है वहाँ पे है नहीं उसका ज्ञान भी मिथ्या है, वस्तु तो है नहीं उसका ज्ञान हो रहा है आपको, स्वप्न में जो वस्तु आप दिखाई दे रहे हैं हो रहा है ना तुरंत रिफ्रेश नहीं कर रहे माइंड में, अभाव रथादी नाम श्रूयते न्याय पूर्वक, है ना, ये बनते अभाव रथादी नाम श्रूयते न्याय पूर्वक, मेरा देखिए पहले लाइन में 82 पेज में अभावच्छ रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकं वैतथ्यं तेन वैप्राप्तं आहुः प्रकाशितं, यहाँ पे जो चकार है चकार को लेकर के बोलते हैं कि जिस प्रकार रथ की अभाव होने पर क्या रथ दिखाई देता है इसके जो वस्तु वहाँ पे नहीं है उस वस्तु का जब ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान भी आपका मिथ्या है, तो ज्ञान भी आपका मिथ्या है, चकार के द्वारा भगवान भाष्यकार ये बोलते हैं अभावश्च रथादीनां, अभाव रथ का तो अभाव है ना, श्रूयते न्याय पूर्वक बंद हमको दिखाई दे रहा, जो वस्तु नहीं है हमको दिखाई दे रहा है तो वो ज्ञान चाहिएगा तो वही गलत ज्ञान होगा, जो वस्तु नहीं है हमको दिखाई दे रहा है रज्जु को हमको सर्प रूप में दिखाई पड़ते हैं तो जो ज्ञान हो रहा है सर्प ज्ञान वो सही ज्ञान है कि गलत ज्ञान है, गलत ज्ञान है कि वो सही ज्ञान होता तो कभी तो हम उसको मिटाने का कोशिश ही नहीं करते, हम ये दृष्टांत तो आसानी से समझ में आ जाता है, ये जहाँ जगत रूप में दिखाई पड़ रहा है ये जगत रूप में दिखाई पड़ रहा है जगत के अवय रूप में दिखाई पड़ रहा है ये ज्ञान गलत होगा कि सही होगा, बहुत जोर झटका लगते हैं हमें और जबरदस्त झटका लगता है ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो आसानी से समझ में आ जाता है बहुत सुंदर समझा वहाँ अभाव था एकदम सूर्य के न्याय को, लेकिन जब ये हमको जितना हमने ज्ञान प्राप्त कर रखा हम बुद्धिमान है हम ये जानते वो जानते हैं हम गर्व होता है उसका और श्रुति उसको बिल्कुल निषेध कर देती, श्रुति बोलते सारा मिथ्या है, जो वस्तु पारमार्थिक वेदांत शास्त्र सिद्धांत के अनुसार शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार जो वस्तु पारमार्थिक है नहीं वो वस्तु हमें दिखाई दे रहे उसको लेकर व्यवहार कर रहा है वो सच्चा ज्ञान कैसे हो सकता है,
इस प्रकार स्वप्न में दिखाई दे रहा है रथ मार्ग घोड़ा जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, हम स्वयं उठ करके बोलते हैं कि अरे ये कुछ ज्ञान सही नहीं था। और यहाँ पे क्या बोला था, आप जैसे कल रात मैंने स्वप्न देखा कि आप आए थे प्रणव धाम में हमसे मिलने के लिए, आप मानेंगे मेरे को मेरी बात को? नहीं महाराज मैं नहीं गया। तो यानी कि जो हमने देखा जिस वस्तु को देखा, सामान्य जो टेबल चेयर तो नहीं बोल सकते, व्यक्ति तो बोल सकता है, ये तो बिल्कुल झूठ है, झूठ बोलते। यानी कि सारा ज्ञान हमें ऐसे एकमात्र आत्म ज्ञान जो होता है स्वरूप होता है वो सच्चा ज्ञान है। वो और सती स्वमुक्ति को होता है मुक्ति स्वयं एक कल्पित वस्तु है, उससे द्वारा जो भी कोई वस्तु का ज्ञान होगा वो कल्पित ज्ञान है, वो सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए आप जो आ रहे हैं कि देखो आपको हमको स्वप्न काल में आप कितने व्यक्ति सोते हैं वहाँ, अकेला कमरा बंद करके पूरा मन ठंड के समय सोने के बाद आप क्या क्या नहीं किया कर लेते हैं वहाँ, सब कुछ जितना जो चाहिए जो हमारी वासना रूप में बैठे हुए हैं सब हम क्या कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा अकेला होते हुए भी द्वयाभास द्वैतों के आभास वहाँ जाते हैं, क्यों होते हैं वो हमारी वासना, ठीक इसी प्रकार में जागृत में जो भी कुछ हमें दिखाई पड़ते हैं उसके लिए भी वही एक मन ही है, वो जो है वो सारा चीज को बना देता है, सारा चीज को बना देता है जन्मांतर संस्कार से बना देता है। इसी को समझाने के लिए देखिए अगला श्लोक आ रहे हैं, सब तत्त्वस्य एव माया जन्म इति युक्तम इति उक्तम उपपादयति। सत तत्व का ही मतलब सत से ही तात्विक से माया से जन्म होना संभव है, तात्विक संभव तो नहीं है। इति उक्तम ही लिखा ने उसका युक्तिपूर्वक मतलब प्रतिपादन करके दिखाते हैं, सत तत्वस्य एव माया जन्म इति उक्तम ही लिखा गया है उपपादयति, उसको प्रतिपादन करके दिखाते हैं कि कुछ विद्वान कहते हैं कि स्वप्न दृष्ट है तभी जाकर के सात्विक वस्तु को देखना संभव है। इसी प्रकार जागृत में भी कोई कोई दृष्टा है, इसी प्रकार से पूरा सृष्टि के पीछे भी कोई एक सृष्टि करता है जिसके कारण चीज सब दिखाई पड़ता है। उसको बोलने के लिए श्लोक यथा स्वप्ने द्वयाभासम स्पंदते मायया मनः तथा जाग्रद्वयाभासं स्पंदते मायया मनः यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पंदते मायया मनः तथा जाग्रद्वयाभासं स्पंदते मायया मनः। तथा मतलब जैसे स्वप्नावस्था में जो द्वैत का आभास होता है, द्वयाभास मतलब द्वैत के आभास, कैसे आप विभाग करते हैं कि एक ग्रहण करने वाला और एक ग्रहण करने के दो वस्तु, हम व्यवहार करते हैं, हम आपके साथ व्यवहार करते हैं, ग्रहण करने वाला आप ग्रहण जो दो वस्तु, वो भी ग्रहण करने वाला मैं ग्रहण, शरीर को लेकर के जो भी वस्तु को होगा इस प्रकार के द्वैत के आभास दिखाई पड़ता है। होता क्यों है, ये माया मनस्पंदते, माया के कारण ये मन का स्पंदन है, माया शब्द से हमें क्या लेंगे हमारी वासना है ना, जिस वासना के कारण हमारा जन्म मेरे संस्कार का जागृत कर जिस वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति होती है तब अनुगुण हम स्वप्न देखते हैं, है ना। और केवल एक एक शरीर का नहीं, तो हो सकता है आपको लगे कि इस शरीर में इस वस्तु का हमने कभी सोचा नहीं, तो ना जाने कितना जन्मांतर की वासना बैठ है वहाँ पे जिसके हमें भोगना है, तो उसके वो स्वप्न में आ सकते हैं, बंद है तो उसके पीछे ये माया से ही मन की स्पंदन है, मन की स्पंदन है। यहाँ पे जो स्पंदन से अपने आप निकाल लेते हैं परिणमनम प्रतिवा स्पंदनम, परिणमनम मतलब परिणत हो जाना अथवा सामान्य प्रगति मात्र, सामान्य प्रगति मात्र, इसी के आप स्पंदन शब्द के द्वारा भाग रहे हैं। वास्तविक वहाँ पे तो हमको लगता है कि स्पंदन हम तो सोए हैं, स्पंदन किसको होगा, तो मन तो जगा हुआ है, इसलिए मन में जो है वासना का भी प्राप्त होता है, वासना कैसा भी प्राप्त हो जाए इसके पीछे सूक्ष्म कारण है। यदि आप यहाँ बैठ करके व्यवहार करते हैं
वेदांत को परिषद में आएंगे तो इंद्रियाँ अब जब आप माइंड में ऑर्डर डाल में सो होना तब इंद्रियों की यहाँ पे बैठ कर व्यवहार कर रहा था जी वो धीरे धीरे अपने को भी जुड़े तो यहाँ से समस्त इंद्रिय सोचेतन धीरे धीरे क्या होता है कि हृदय आकाश में आकर पूरी तरह नाड़ी के माध्यम से हृदय आकाश में आकर के सो रहा है। अब इतना सूक्ष्म नाड़ी के अंदर से आता है जागृत काल में हमारे खाए पिए हुए जो अंदर रस है ना केवल ये भोजन नहीं है इससे भी खाया इससे भी खाया इससे भी खाया आहरी अति आहार उसमें राजसिक शांति तामसिक सब प्रकार की वस्तु है तब अनुकूल रस तैयार होता है रस। और वो जो नाड़ी के अंदर से जाता है इतना सूक्ष्म नाड़ी है वो जीव उस रस के साथ नाड़ी के साथ उसके साथ जब तक उसका कॉन्टैक्ट रहता है तब तक स्वप्न दिखता है। जैसे ही हृदय रस में आता है इसका अपने आप अगर अलग हो जाता है उस रस के साथ उस नाड़ी का संबंध नहीं रहता है तो नहीं रहना चाहिए। आप कभी होगा निर्धारण है कि जो भी ब्राह्मण और शरीर ब्राह्मण वहाँ पूर्ण रूप से मतलब कैसा जागृत से स्वप्न में जाना स्वप्न से छूटे इसी प्रकार शरीर छूटने के समय कैसे ये जीवात्मा कैसे कैसे जाता है ये सारा इस किस नाड़ी से जाएगा कैसे जाएगा सब उसको अपने आप दिखाई देगा। तो इस प्रकार से इस कारण से हम स्वप्न देखते हैं अलग अलग इस प्रकार का हमारे वासना भी रस होते हैं तो वहाँ पे जो है आपके बात मिला करके उसको इस प्रकार की रंग का रस होगा उसके साथ साहित्य में कॉन्टैक्ट करते हमें तदनुकूल स्वप्न दिखेगा तदनुकूल स्वप्न दिखेगा यही माया का संस्कार है क्योंकि क्या है जागृत वासना का संस्कार। इसी प्रकार जागृत काल में जो भी हम व्यवहार जन्मांतर संस्कार से मन में उस प्रकार की वस्तु इतना घटना घटता है इतना वस्तु हम देखते हैं सबके प्रति हमारा मन समान रूप से रिएक्ट नहीं करता जहाँ पे हमने मनोराज्य को बनाया ममन तो ठाप लगा दिया कि ये वस्तु दुकान में से मैं जाने से पहले जब मेरे पास नहीं था उस दुकान में आग की लाल लाल चले पर भी मेरे मन में कुछ भी दुख नहीं होता थोड़ा बोला है दुकानदार का तो अपने पास आने के बाद हादसे के जाने क्या हो गया क्या भिन्नता हो गई इसमें एक अपने अवचेतन मन से हमने इसके ऊपर मिला है ये हमने ठप लिया अपने अजान में अनोइंगली कब ऐसा हो गया हमें पता ही नहीं और वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वही हमारे लिए बंधन का हेतु होता है वो ठीक है दृष्टि को सब जागृत करने से होता है उसको होता है तथा जागृत पर्याप्त है किसी प्रकार के जागृत में जो द्वैत आभास होता है स्पंदते माया राम वहाँ भी माया से वासना से मन का स्पंदन होता है अलग अलग करके दो पद है परंतु जागृत द्वयाभाषण में एक समास पद दिखाई दिया है ना जागृति द्वयाभाषण नहीं बोला जागृत द्वयाभाषण बोला हो सकता है कि यहाँ पे जो है श्लोक में अक्षर की मतलब डिमिनिशन होने के कारण यहाँ पर समास कर दिया परंतु स्वामी जी का ये कहना है नहीं स्वप्न में जो द्वैताभास दिखते हैं वो आप स्वप्न काल में बाधित नहीं कर सकते उसको जगने के बाद उसको बात कर सकते हैं परंतु जागृत काल में जब आपको बाधित करना होगा जागृत भी साधना होता है जागृत भी उसको बाधित करना इसलिए यहाँ पे ये है इसको एक साथ बोला गया जागृत द्वयाभाषण स्वप्न द्वयाभाषण में जो अलग अलग लोग दिखाई दे रहा है वहाँ पर समास नहीं करने का यहाँ पर समास करने का मतलब जागृत में ही इसका जो है द्वैतों की आवाज जो दिखाई पड़ता है जागृत में साधन होता है शुरू में इसी का शुरू में भगवान भास्कर अपने आप बोल कर आया मानवीय को कार्य का साधन क्या है जागृत को सुषुप्ति बनाना। यदि आप तत्व साक्षात्कार करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा सुषुप्ति में भगवान सुषुप्ति को दृष्टांत बनाए क्या दृष्टांत बनाए यदि आप अपने स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य जोड़ सकते हैं उस समय भी आपका अस्तित्व रहता है और अस्तित्व को उस समय आनंद के आपका अनुभव को रिकॉर्ड करता है क्योंकि अनुभव के बिना स्मृति नहीं होती तो कुछ आपका अनुभव हुआ इसीलिए आप उठ करके बोलते हैं कि मैं आनंद से श्रेष्ठ ये सबसे बड़ा प्रमाण प्रत्येक जीव के लिए क्या है कि यदि मैं विषय रहित अवस्था में भी मेरा आनंद है वो मेरा स्वरूप आनंद कोई विषय नहीं है यदि हम यहाँ तक कि अपने शरीर के साथ भी तादात्म्य जुड़ जाता है इसी प्रकार जागृत बाहरी विषय से मन को उठाना फिर उसके बाद धीरे धीरे बैठ कर स्थूल शरीर से तादात्म्य छोड़े और अभ्यास करें कि सूक्ष्म शरीर की वृत्तियों को मनोवृत्ति इंद्रिय वृत्ति को देखने का अभ्यास करें
जब वो देखने का अभ्यास करेंगे धीरे धीरे आपके सामने दृश्य होने लग जाएगा। कुछ भी मनोवृत्ति होता तुरंत आप इसके दृश्य आपके सामने, ये दृश्य तो मैं दृष्ट होने से भेजता हूँ ये आने लग जाए, तो सूक्ष्म शरीर का भेद होने लग जाएगा धीरे धीरे। इस प्रकार बैठ करके चुप होकर के कभी विधिगत प्रीतम में, कभी मनोराज्य में, कभी स्वप्न राज्य में, जैसा मतलब तो जागरण को पहले स्वप्न बनाएंगे। जागरण को स्वप्न कैसे बनाएंगे? स्थूल शरीर से तादात्म्य छोड़ करके मनोकल्पित किसी शरीर को लेकर के घूम लेंगे। जागरण क्या हो जाएगा? जागृत में बैठ करके आप मनोकल्पित राज्य में स्वप्न, आप धीरे 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 उस स्वप्न अवस्था से जैसे हमने बोला या आपको सुषुप्ति बोला, सुषुप्ति में जाना क्या होगा अपने जिस समय हम सुषुप्ति में रहते हैं प्रारब्ध के अनुसार सुषुप्ति में जाते हैं उस समय हमारे अस्तित्व के ध्यान नहीं रहते, परंतु जागृत में बैठ के यदि हम सुषुप्ति में जाएंगे आपके अस्तित्व का स्पष्ट अनुभव होगा। प्रारब्ध के अनुसार सुषुप्ति में जाने से उस समय हमें बोध नहीं रहता, इसीलिए हमारी अज्ञान नाश नहीं होता। जागृत में बैठ करके यदि हम सुषुप्ति में जा सकते अज्ञान नाश होकर ठीक हो गया, अज्ञान नाश होकर ठीक हो गया। धीरे धीरे ये अभ्यास करने से मन को लेकर के हटाने के बाद फिर ब्रह्मा का वृत्ति देखना हम कर पाएंगे, अपनी व्यापक आकर्षण का वृत्ति मिलेंगे। धीरे 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 वो अपने आप विषय चिंतन नहीं होने के कारण बड़े छिन्न अहंकार जो चला जाएगा, फल हो जाएगा वो अपना जो व्यापक जो स्थिति है वो अपने आप अभी भगवान भाष्य का पूरा यहाँ देख रहे हैं कि वैलक्षण शुरू में हमारे यहाँ पे मन के साधन में क्या कि जागृत को सुयुक्ति बनाने का प्रयास। भगवान ने जागृत जो भी कुछ हमको समझाना चाहते हैं उसको दृष्टांत भगवान ने सृष्टि में बनाया। भगवान ने जो कुछ हमको समझाना चाहते हैं उस अलौकिक वस्तु को समझाने के लिए कुछ लौकिक दृष्टांत भगवान ने बनाया। जैसे कल बता रहे हैं कि मया तदमिदं सर्वं व्यवहारं त्यक्त्वा मूर्ति नमस्तानि सर्वभूतानि न चौदेशु अवस्थितः न चौमस्तानि भूतानि पश्यामि। ये कैसे हो सकता है? ये जब मतलब सब कुछ मुझ में है फिर भी मुझ में कुछ भी नहीं है, फिर उसका दृष्टांत देकर के क्या समझाया? ये आधार आधे भाग नहीं होते हुए भी दोनों दिखाई पड़ते हैं आकाश आधार, ठीक है ना? ये दृष्टांत लेकर के समझे आकाश सर्वथम असंश्लिष्ट पदार्थ है, वायु हमेशा उसमें विचरण करता रहता है, परंतु आकाश के साथ वायु का कोई संबंध नहीं। इसी प्रकार पूरा सृष्टि मेरे अंदर है परंतु सृष्टि के साथ मेरा कुछ भी संबंध नहीं, क्योंकि मैं सर्वथा असंतुष्ट हूँ, आकाश से भी असंतुष्ट हूँ, असंतुष्ट हूँ। कभी बताए हमने कोई चीज़ यहाँ समझ है कि जागृत काल को हम कैसे धीरे धीरे सुषुप्ति बना सकते हैं। यदि जागृत को हम धीरे धीरे सुषुप्ति बना सकते हैं, आप देखना आप तो अंदर के इस प्रसंग बनाने कभी भी माइंड किसी ने रिएक्ट ही नहीं करता। सुषुप्ति अवस्था में आपके शरीर के ऊपर कोई थूक भी दे आप उससे कुछ भी नहीं कहेंगे, तो पता ही नहीं चलता शरीर से ऐसे तादाद में छूट जाने कारण जागृत में कुछ पता ही नहीं लगेगा आपको क्या हो रहा है क्या नहीं। इसी प्रकार बोलते जब तथा जागृत द्वयाभाषम, ये जागृत में जो द्वैत का आभास दिखाई पड़ता है ना वो भी क्या है? माया से मतलब हमारे जन्म की वासनाओं के संस्कार से ये द्वैत द्वैताभास दिखाई पड़ता है। साधना यही है कि संस्कार को धीरे 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 बदलते हैं। संस्कार चित्त भूमि में इसलिए हम लोग बोलते चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि चित्त में जन्मांतर वाचनात्मक संस्कार है उसको शोधन करना है। क्या शोधन करना है? कि मैं असंत हूँ, व्यापक हूँ, कि सृष्टि के साथ मेरा कोई संबंध है। ये संस्कार निर्माण करते हैं ना उसको बताते बताते स्वप्न के बारे में कथन करते करते यदि कभी आपको ऐसा स्वप्न दिखाई दे देना चाहे कि मैं असंत हूँ, व्यापक उस पूरा सृष्टि मुझ में है, वो समझना वो स्वप्न नहीं है तो वो तुम्हारा सच्चा स्थिति है। सारी ब्रह्मी बोलते हैं ठीक है आप इंद्र बने ब्रह्म हिरण्य गर्भ यहाँ तक मिलता है, पर यदि आपको कभी सपने में ऐसा दिखाई दे ऐसा अनुभव आ जाए कि मैं यहाँ संघ शुद्ध चेतन था समझता हूँ सम्राट बन गया इस वर्ष परम लोग इस वर्ष परम लोग ऐसा करके मन ये कब होना जागृत करने में बैठ करके हम इसका अभ्यास करें तब इस प्रकार का अपने आप मनोवृत्ति बन जाए। फिर एक समय स्वप्न में भी आने लग जाता है। स्वप्न क्या देखते हैं हम जो हम दिन के समय अधिक जानते हैं उसको देखते हैं। यदि हमारे मन में आसक्ति न तो हमारे मन की चिंता पूरा इस पर आत्मचिंतन में लगे रहे। इसमें कोई कई भक्त बोलते हैं आज मेरे को भगवान का दर्शन मैं श्री राम जी बहुत खुशी होते हैं कि अस्वीकार करने नहीं है होते क्यों क्योंकि भगवान के प्रति मन तब यदि हम आत्मनिष्ठ हैं और आत्मा में प्रति मन लगा क्या होगा हम अपने आप ही मन को भाव चलता रहेगा कोई अभिव्यक्त होगा।
इसलिए उस भाग में जाके वेद आवाज जो दिखाई पड़ते हैं तथा जागृत कयामसम स्पंदते मायायाम, इस प्रकार जागृत में जो वेद आवाज दिखाई पड़ता है वो भी मानिक स्पंदन है, मन की स्पंदन है। और इस मन को अब जब ठीक से देखो, इस प्रकार रज्जु को हम जब ठीक, सर्प को हम जब ठीक से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं? सर्प को रज्जु के ऊपर दिखाई देना, सर्प को बत्ती जला कर जब हम ठीक से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा हमको? रज्जु है। अब ठीक इसी प्रकार से साक्षी के प्रकाश से मन को ठीक से देखो क्या दिखाई देगा? क्या समझना? मन तो अधिष्ठान के ऊपर करते थे शुद्ध होता है, यही मन की अमनी भाव। वेदांतिक साधना है ना, कि योग दर्शन की तरह समाधि नहीं है हमारी। यदि मन लय हो गया तो कौन निश्चय करेगा कि सारा संसार दिखता है, ये सब कल्पना था। मन ऐसे जगह है, बुद्धि को ऐसे जगह, परंतु जागरूकता कैसे? विषय भी जागरूक है। इसलिए मन के प्रति आप ठीक भावना से देखो, यदि आप ठीक ठीक दृष्टि दे पाओगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? मन उस अधिष्ठान के साथ एक होगा, कि अधिष्ठान के साथ मन से शुद्ध चेतन होगा। इसी को यहाँ पे देखिए कितना सुंदर समझाएंगे भाष्यकार। इसको श्लोक करते हो गया तो सत एव टीका में बोलते सत एव माया जन्म की अयोत्तम गुरुवादी बोलते सत का ही माया से जन्म होता है, ये कहना भी बहुत संगत नहीं है। क्यों अभी बोलते हैं? अवस्था द्वय द्वैत मनस्पंदित स्वीकारा। इसलिए जो अवस्था द्वय मतलब स्वप्न और सुषुप्त जागृत, और स्वप्न और जागृत दोनों अवस्था में भी द्वैत द्वैत प्रपंच दिखाई पड़ता है, मनस्पंदित स्वीकार, मन का स्पंदन है ऐसा स्वीकार होने के कारण वेदांत क्षेत्र की श्लोक व्यावत्यम चौद्यम उद्धार कर ठीक उसी प्रकार से इस श्लोक के द्वारा जिस शंका को मन का निराकरण करना चाहते हैं गौर पाता चाहिए उसको भगवान का सुबह दिखाते हैं। ठीक है, इस श्लोक व्यावत्यम चौद्यम इस श्लोक के द्वारा निराकरण करने योग्य जो शंका है उसको उठाते हैं। कौन उत्थान प्रतिका करता है? कौन होगा? उत्थान भाषण उत्थापयति भगवान का सुबह। तो अब कथम पुनः सत माया एव जन्म, आप बताओ सर्वस्तु का भी माया से कैसे जन्म हो सकता है? सत तो असंग है, व्यापक है, पूर्ण है, अभिकारी है, उसका जन्म कैसे हो सकता है? माया से भी कैसे हो सकता है? कैसे तक कोई बोलेगा दादू का कुछ भी दिखाएगा माए उसके साथ तो और कुछ असिस्टिंग फैक्टर होगा, इसके पास तो आपके पास तो कुछ भी नहीं है तो कैसे होगा ये? तब हमारे पास एक सबसे बड़ा माया ही एक ऐसी चीज़ है, अगर तक घट हो आपने आप सब कुछ तैयार करके फिर आपने आप सब दिखा देते हैं सत तथा। जब यहाँ पे बोलते हैं कि श्लोक व्यावर्तम चौथम उद्धार जो श्लोक के द्वारा निराकरण करने के जो शंका है उसको उठाते हैं भगवान भाष्यकार। कथम पुनः सत माया एव जन्म, ये सत वस्तु का माया से भी जन्म कैसे हो सकता है ऐसा शंका होने पर पूछते हैं देखो कैसे हो सकता है। तो पहले बोल रहे कृष्णा को पहले समझा यथा रज्ज्वाम विकल्प सर्प रज्जु रूपेण अवेक्षमान सन एवं मनस्पद मन परमात्म विज्ञप्ति आत्मरूपेण अवेक्षमान सत ग्राह्य रूपेण दया भाषण स्पंदते स्वप्ने मानया रज्ज्वाम सर्पदे पंक्ति पूरा लिखा यथा जैसे रज्ज्वाम रज्जु के ऊपर विकल्प किया जाए क्या सर्प वो जो सर्प रज्जु के ऊपर विकल्प से आपको दिखाई दे रहा था सर्प वो सर्प रज्जु रूपेण अभिक्षमण जिस समय आप उसको बत्ती जला करके ठीक से देखेंगे तब क्या देखेंगे आप रज्जु देखेंगे अभिक्षमण सन एवं ठीक उसी प्रकार से मन जो मन परमत्व विज्ञप्ति जो परम स्थिति है जो बोध मात्र है उसको आश्रय करके आत्मरूपेण अभिक्षमण जब उसको अपने अभिन्न रूप से देखेंगे तो केवल आपको आत्मा ही दिखेगा वही होते हुए सब वही मन अकेला होते हैं क्योंकि आप एक वस्तु अनेक रूप में कैसे दिखाई देगा कैसे होगा माया में कैसे होगा? बस इतना ही है कि आपने ठीक से नहीं देखा और बाद में ठीक से देखने लगे जब ठीक से नहीं देखे तो अनेक रूप में देखा मन विकल्प तो करता है ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है कुछ अगर लोगों क्या दिखाई दे रहा है तो सांप देखा नहीं कि सांप नहीं है वो तो माला पड़ा हुआ है जैसे इसका संस्कार भेद क्या होता है ग्राह्य भाव साध साधन भाव मुख्य ग्राह्य ग्रहण करने वाला ये ग्रहण करने की वस्तु
एक सामान्य अधिकतर क्या होता है, हमें अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है, परंतु हम उसके लिए साधन ढूंढते हैं, साध साधन भाव के भेद बना लेते हैं। अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए मेरा इष्ट मैं स्वयं हूँ, मेरा इष्ट मैं स्वयं ये भाव हमारा जब तक नहीं आता तब तक क्या होता है कि हम हमारा वो मेरा अभिष्ट है, तो उस अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्या साधन है, ये दोनों भेद हमने बनाए, साध साधन भाव भेद बनाए, ग्राह्य घर में उसको ग्रहण करने वाला वो ग्रहण करने योग्य वस्तु के भेद बना लेते हैं मन आप माया इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि वे ग्राह्य घर रूपे न दया भाषण द्वैत के आभास रूप में स्पंदते वहाँ के इस प्रकार स्पंदन होता है, स्वप्ने माया स्वप्न काल में माया से जिस प्रकार रज्जुमा इव सर्व इस प्रकार रज्जु में सर्व दिखाई पड़ते हैं उसी प्रकार स्वप्न में माया से रज्जु में मतलब देखिए पूरा अंधेरा होता क्योंकि तो आपको सर्व नहीं दिखाई देते रज्जु और पूरा स्पष्ट लाइट होता तो भी आपको नहीं दिखा देता, ये जो आधा लाइट आधा अंधेरा कोई बात नहीं मतलब क्या है जो पूरा अज्ञानी है उसके लिए समस्या नहीं है, जो जान लिया उसके लिए समस्या नहीं, समस्या हम लोगों की आधा जाना आधा नहीं जाना उनके लिए समस्या होती है, शास्त्र की बोलते हैं तुम्हें क्या होगा जब उसके लिए मुक्ति प्रयास भी करते हैं, कभी भी प्रश्न होगा कहीं भी शंका होगा तो हमेशा ध्यान रखें कि जो है कुछ समझा कुछ नहीं समझा इसी कारण प्रश्न होता है, बिल्कुल नहीं समझने से कभी प्रश्न नहीं किया जाए और पूरा समझ गया तभी प्रश्न नहीं होगा, कुछ समझा कुछ नहीं समझा तभी मन की कुछ शंका होती है और फिर उसका समाधान करने के लिए हम तैयार भी होते हैं, इसीलिए हमें जो गया भाष होता है गई का जो आभास होता है कि ग्राह्य ग्रह के रूप में वो माया से ही जो है मन की स्पंदन है ना, जिस प्रकार आधा अंधेरा में रज्जु रज्जु कोई स्पंदन नहीं है मतलब हमारी दृष्टि में जो असमर्थता कोई उठो बना देते हैं कि इसी प्रकार हमारी बौद्धिक असमर्थता बौद्धिक असमर्थता हमारे मन के अंदर इस प्रकार गाई का भाव तैयार कर देते हैं, हर जगह पर हमेशा मन दे किसी भी कर्म करने से पहले पहले एक कोई भी वस्तु देखने से पहले वह बुद्धि हो जाए, कोई भी वस्तु सामने आएगा व्यक्ति अथवा वस्तु जाए ये पहले परंतु पहले आना चाहिए ये भी मेरा ही रूप है, जैसे वो दृष्टि होगा तब उसमें अच्छा बुरा ढूंढने का कोशिश करेगा, जैसे मैं दृष्टि होगा वो दृष्टि बदल जाएगा, वो दृष्टि बदल जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसी कारण से ये माया का स्पंदन नहीं है, माया का स्पंदन ही है कि हमारे अंदर फिर वो दृष्टि बना के रखें, इसीलिए भगवान भाषा देखिए हमारे तथा तद्वत एव ठीक उसी प्रकार से जागृत मतलब जागरिते देखिए वहाँ पे जागृत श्वास पत्थर को तोड़ दिया तो जागृत मतलब जागरिते स्पंदते माया मन माया से मन का स्पंदन होता है, वंदे शब्द भगवान भाषा क्या बोले मतलब यहाँ पे ऐसा कोई स्पंदन नहीं दिखाई देगा, वासनात्मक स्पंदन है, वासनात्मक स्पंदन है, वासना के कारण ही ऐसा कर प्रश्न क्या हुआ, एक ही वस्तु अनेक रूप में कैसे दिखाना संभव है, एक ही शंका के उत्तर में बोल रहे यहाँ पे वस्तु आपके पास एक सत्य वस्तु है माना अविद्यमान वस्तु से नहीं होता विद्यमान परंतु एक वस्तु अनेक रूप में कैसे दिखाई एक वस्तु कैसे दिखाई पड़ता है, शंका के उत्तर में क्या बोला कि वो जो है माया की स्पंदन है मन की स्पंदन है, इसलिए बोलते हैं कि सब अधिष्ठानात्मक एक सर्वत्र जो अधिष्ठान रूप में विद्यमान है, स्वप्न दृष्टा में कोई अधिष्ठान अकेला है स्वप्न दृष्टा और वही जो है सारा ग्राह्य ग्रह भाव से सारा चीज कल्पना कर लेते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ग्राह्य ग्रह रूप में लगाया भाषा स्पंदन है, ठीक है देखिए क्या बोल रहे हैं कि अधिष्ठान रूपे न मनो अपिशति सर दृष्टान्तम उत्तरम इस प्रकार कि हमने क्या बोला सब विद्यमान किसी वस्तु से उत्पत्ति होना संभव है माया से, तो यहाँ पे अधिष्ठान रूप में सब प्रकार का अधिष्ठान रूप में कौन है, हम अपना मैं तो हुई शुद्ध चेतन परंतु मुख्य अधिष्ठान
मन है अंतकरण है उसी के माध्यम से चेतन की सारी चीजें नेट होकर काम कर रहे हैं। अधिष्ठान रूप में मनोअपिशन अधिष्ठान मन भी सब ही है। अधिष्ठान के साथ जब एक मिला करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प रज्जु ही है। इसी प्रकार अधिष्ठान आत्मा के ऊपर दिखाई दे रहा है मन अधिष्ठान ही है। जब हमारी बुद्धि काम नहीं करते उसको अलग करते ज्ञान नहीं हुआ सिर्फ उसको अलग समझते इस प्रकार शंका नहीं करने समझना क्योंकि नहीं दृष्टि जो आपको सामने प्रमाण रूप में विद्यमान है फिर वो अनुभव युक्ति नहीं कर नहीं दृष्टि जो दिखाई दे रहा है वो अयुक्ति है ये नहीं कह सकते दिखाई दे रहा है उसके रूप में नहीं दृष्टि अनुभव नाम जो दिखाई दे रहा है उसके वो अनुभव नहीं दिखाई देने से दृष्टि से भी अनुभव नाम जो हमको दिखाई दे रहा है अकेला मैं स्वयं का अनेक रूप में अपने कभी कभी इसलिए ये अनुभव नहीं हो सकता एक होते हुए भी अनेक रूप में भगवान सारा चीज दृष्टांत हमारे सामने बनाया हमारे जीवन में जिस वस्तु को समझाना चाहते हैं जो अलौकिक वस्तु को उस अलौकिक वस्तु को समझाने के लिए लौकिक दृष्टांत सारा हमारे अंदर ही दिया हुआ है। हमको जब उधर उधर धीरे धीरे ध्यान जाएगा तो जो है वह अदृश्य वस्तु जो हमको अनुभव में आता है समझ में नहीं आता है पहले वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तथा न दृष्टि अनुभव नाम ही हो गया। अब दृष्टांत कमा दृष्टांत क्या दिया था दृष्टांत क्या यहाँ पे एक एक अनेक कैसे हो गया इसके लिए दृष्टांत क्या दिया स्वप्न दृष्टा एक स्वप्न दृष्टा। अब दृष्टांत में बता दृष्टांत क्या एक स्वप्न एक मन को भी सत्य के साथ तुलना करते हैं और एक सत्य तत्व अनेक कैसे हो गया इस मंदिर से इसीलिए बोलते हैं कि दृष्टांत का मत था तत्व एव जागरित स्पंदते माया मन मतलब जागृत काल में जो आपका स्पंदन है माई स्पंदन है मतलब वास्तविक जो है शुद्ध चेतन में तो कोई स्पंदन होना संभव ही नहीं शुद्ध चेतन में कोई स्पंदन होना संभव ही नहीं है। हम मन से कल्पना कर लेते हैं उसको इस प्रकार देखिए इसमें जो है कि ऐसे अगर स्थिर नहीं तो ये सर्कल नहीं दिखाई देगा परंतु ये घूमने के कारण एक आकार दिखाई देगा किसी को अगर संतोष है तो ये आकार ना ही आपको उत्पन्न हो ना ही आपका नाश हो माया के अधीन होकर के मन स्पंदन मन का स्पंदन है अवस्तुभूतम पारमार्थिक नहीं यहाँ पे दोतयितु जिसको प्रकाशित करने के लिए इव इति भगवान वास्तव यहाँ पे इव शब्द लगा क्यों दिया ये जो आपने बोला ना मायाधीनम मन स्पंदनम भाषणों के अधीन होकर के मन का स्पंदन होता है मन का स्पंदन होता है घरा में पानी में स्पंदन होता है सूर्य प्रतिबिंब में कोई स्पंदन नहीं है कोई प्रदूषण नहीं है यहाँ पे के किसी प्रकार हमारे यहाँ पे अंतकरण में भाषणों के कारण थोड़ा स्पंदन है और वो जब सब प्रतिष्ठान के साथ आप एक मिला करके देखेंगे तब कोई स्पंदन नहीं इसीलिए वास्तविक बोल रहा है। इस प्रकार हमको मान लीजिए कि हमको लगता है भीति के कारण उस सर को हिल रहा है हमको काटने के लिए आ रहा है हो सकता है जो हम ऐसे ही पड़ा हुआ मन बना हुआ ऐसा कि हम क्यों डर क्यों गए हमारे अंदर पहले कि उस सर्प दंशन हुआ होगा तो डर के मारे वो काटने आने भागने का उस अथवा हवा निमित्त तो थोड़ा सा ही अटला होगा तो सर्प भागने के इसी प्रकार की हाथी जो है कि माया अधीन और मन स्पंदन माया के अधीन होकर के मन की स्पंदन होता है अवस्तुभूतम जो माया पारमार्थिक माया इति अविद्यमान साख्य अपने आप बोलेंगे माया माँ मतलब नहीं या जो नहीं है माया सत्य माया परमसत्य क्या बोलते हैं माया इति अविद्यमान साख्य
इसलिए होता है मायाधीन मन स्पंदन अवस्तु यदि दो टाइप इसको प्रकाशित करने के लिए युवा यदि दो भगवान का चुका युवा शब्द दक्षिणा शांति शांति।